दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सबसे बड़ा खुलासा। जिस शरद चंद्र रेड्डी के बयान पर केजरीवाल को जेल भेजा, वो निकला बीजेपी का बड़ा डॉनर। आज अरविंद केजरीवाल जिस तथाकथित शराब घोटाले के आरोप में ईडी की कस्टडी में है, वो पूरा केस सिर्फ एक व्यक्ति के बयान पर बना हुआ है, जिसका नाम है शरद चंद्र रेड्डी। ये वही रेड्डी है जो पहले ईडी को बार बार बयान दे चुका है कि वो अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, न कभी उनसे मिला और न ही कभी पैसों का लेन देन हुआ। ये वही शरद रेड्डी है जिसने कोर्ट के सामने कहा था कि ईडी उस पर दबाव डालकर झूठा बयान दिलवाना चाहती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि शरद रेड्डी अचानक पलट गया, और ये ऐसा पलटा कि सीधा सरकारी गवाह बन गया, और इसी के बयान के आधार पर ईडी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। ये खेल कैसे हुआ, जानते हैं इसके पीछे का राज। शरद रेड्डी 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार होता है, और चार दिन के बाद उसकी कंपनी और अरबिंदो फार्मा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 5 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा देती है। इसके बावजूद वो 6 महीने जेल में सड़ता है, जब तक वो सीएम केजरीवाल के खिलाफ बयान नहीं देता। इसके बाद मई 2023 में शरद रेड्डी को बेल मिल जाती है, वो भी पीठ दर्द के आधार पर। सोचिए, पीठ दर्द के आधार पर जहां ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, इसे जमानत मिल गई। ईडी ने कोर्ट में इसका विरोध तक नहीं किया। 2 जून 2023 को यही शरद रेड्डी, जो 8 महीने पहले घोटाले का मुख्य आरोपी था, वो सरकारी गवाह बन जाता है। शरद पी रेड्डी को कथित आबकारी घोटाले मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। फिर वापस नवंबर 2023 में शरद रेड्डी बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा देता है, तो कुल मिलाकर बीजेपी को शरद रेड्डी ने दिया 55 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा ईडी द्वारा गिरफ्तार होने के बाद। एफबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से यह भी पता चला कि शरद रेड्डी ने गिरफ्तार होने से पहले भी बीजेपी को 4.5 करोड़ का चुनावी चंदा दिया था। यानी अब शरद रेड्डी भाजपा की शरण में था, जमानत पर बाहर था, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी को बयान दे रहा था, और भाजपा को करोड़ों का चुनावी चंदा दे रहा था। इस तरह कुल मिलाकर 60 करोड़ का चुनावी चंदा भाजपा ने शरद रेड्डी से लिया। गौर करने वाली बात यह है कि आंकड़े कहीं और नहीं बल्कि खुद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है, जिनसे बीजेपी और शरद रेड्डी की साठगांठ की पोल खुल चुकी है। 11 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया, और 15 नवंबर को 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, किसने, जिस कंपनी में शरद रेड्डी डायरेक्टर निदेशक थे, और जून 2023 में सरकारी गवाह बन गया शरद रेड्डी। मामला साफ, 2 साल से जिस तथा कथित शराब घोटाले की मनी ट्रेल एक भी आम आदमी पार्टी के नेता के पास नहीं मिली थी, अब ये साबित हो गया है कि कुल 60 करोड़ की मनी ट्रेल शरद रेड्डी और भाजपा के बीच में है। शराब घोटाला अगर कहीं हुआ है तो वो भाजपा और शरद रेड्डी के बीच हुआ है। एक फर्जी घोटाले की स्क्रिप्ट लिखकर केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश का आज पर्दाफाश हो चुका है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की भाजपा की साजिश का पर्दाफाश हो सके।